राधे राधे, जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आषाढ़ अमावस्या पर पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए गंगा स्नान किया जाता है। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित कर पितरों की उपासना की जाती है, साथ ही पितृ स्तोत्र का पाठ किया जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या के विषय में। आषाढ़ मास की अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है, तो इसकी पूर्ण जानकारी हम आज आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो, और आज की वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, सुनिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। तो बात करेंगे, आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ मास बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियों से भरा हुआ होता है। इसकी जानकारी भी हम अपने एक वीडियो में दे चुके हैं कि इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण तीज त्यौहार आते हैं। तो देखिए, इस महीने में देवशयनी एकादशी आती है। देवशयनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान नारायण, जो कि सभी मांगलिक कार्यों के दाता हैं, जिनके आशीर्वाद के बिना कोई भी मांगलिक कार्य होता ही नहीं है, वो योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। और इसी देवशयनी एकादशी से ही चौमासे का चातुर्मास का समय प्रारंभ हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। इसके बाद इस महीने में आने वाली अमावस्या विशेष होती है। इसी महीने में गुप्त नवरात्रि भी आते हैं, जिनका बहुत अधिक महत्व होता है। तंत्र योग मंत्र की साधना के लिए गुप्त नवरात्रि सर्वोपरि माने जाते हैं। किसी भी तरह की तांत्रिक साधना यदि करनी होती है तो बहुत ही जल्दी वो सिद्ध होती है गुप्त नवरात्रि में करने से। साथ ही इसी महीने की पूर्णिमा तिथि, शुक्ल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, उसका बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको बहुत ही सुंदर जानकारी आज की वीडियो में अमावस्या की तिथि की देंगे, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के विषय में बात करेंगे। इस महीने, आषाढ़ के महीने में अमावस्या तिथि पर पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे गंगा स्नान करना, दान करना, पितरों के निमित्त श्राद्ध करवाना, तर्पण इत्यादि करवाना। ये सारे कार्य करने से पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितरों की उपासना करें, पितृ स्तोत्र का पाठ करें, अंत में श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में दान करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी दुखों को दूर करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आषाढ़ मास में अमावस्या की तिथि कब है, उसकी डेट क्या है। आषाढ़ अमावस्या शुक्रवार 5 जुलाई को है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। आषाढ़ मास की अमावस्या की तिथि 5 जुलाई शुक्रवार को सुबह 4:57 से शुरू होगी और 6 जुलाई को सुबह 4:26 तक रहेगी। इस दिन गंगा स्नान कर पितरों के निमित्त जल देना, पितरों के निमित्त तर्पण दान इत्यादि करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। आषाढ़ अमावस्या पितृ दोष, काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए अत्यधिक शुभ मानी जाती है। गरुण पुराण में बताया है कि पूर्वजों के नाराज होने से जातक को जीवन में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि का बहुत अधिक खतरा बना रहता है। विशेष तिथि पूर्णिमा और अमावस्या, इन पर पितरों की पूजा की जाती है और विशेष तौर पर अमावस्या की तिथि पितरों को ही समर्पित होती है। तो ज्योतिषियों की यदि बात करें तो अमावस्या पूर्णिमा दोनों ही तिथियों पर भगवान शिव और नारायण की पूजा करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभावों एवं दोषों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही यदि आपको लगता है आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा
जीवन में परेशानियों से जूझते रहते हैं, लगातार परेशानियों का सामना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परेशान होकर कह ही देते कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। तो इस तरह का अगर आपको ज़रा सा भी एहसास होता है तो अमावस्या की तिथि, चाहे वो किसी भी महीने की अमावस्या हो, इसको कभी भी खाली ना जाने दें। कुछ ना कुछ अवश्य ही करें। प्रत्येक महीने अमावस्या तिथि पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समस्त जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और ये चैनल आपका अपना है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आषाढ़ अमावस्या पर 3 वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल देना चाहिए। उसके बाद जब सूर्य नारायण भगवान अपने पूरे चरम पर हो, कहने का तात्पर्य है चारों तरफ जब उनकी किरणों का प्रकाश फैल जाए, तब आपको दक्षिण दिशा की तरफ एक स्टील के लोटे में थोड़ा सा जल, उसमें कुछ मीठा और काले तिल डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर पितरों के निमित्त आपको जल देना है। ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः बोलते हुए अपने पितरों का ध्यान करें, उनको नमस्कार करें, उनसे प्रार्थना करें, जो भी आपके जीवन में कष्ट है उसे दूर करने की उनसे प्रार्थना करें। साथ ही थोड़ा बहुत आप दान अवश्य करें, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुछ फल खरीद कर और 11 रुपये रखकर पंडित जी को दान कर दें। साथ ही किसी न किसी भूखे प्यासे की मदद अवश्य ही करें। चींटियों को दाना डालें, कौओं को दाना खिलाएं, और गाय माता को अवश्य ही कुछ ना कुछ थोड़ा सा गुड़ या फिर चना खिलाएं, थोड़ी घास खिला सकते हैं। इस तरीके से कुछ ना कुछ अवश्य ही उपाय आपको करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा, भगवान नारायण की पूजा करने से भी आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों का स्मरण करके उनको जल और कुश की पवित्री से तर्पण करते हैं तो और अधिक लाभ प्राप्त होता है। अपनी संतान को पितृ आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए आषाढ़ अमावस्या पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया अवश्य जलाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृ सूक्तम का पाठ करने से नाराज पितृ शांत होते हैं और जीवन के दुखों का अंत होता है। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसे ही समय समय पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहेंगे और चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आषाढ़ मास के सभी त्योहारों की समस्त वीडियोस आपको समय समय पर चैनल पर मिलती रहेंगी, और आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि से जुड़ी हुई विशेष तौर पर और जानकारी हम लेकर आएंगे। तो बने रहिए अपने चैनल पर स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। और हाँ, यदि कोई आपका सुझाव हो तो हमें अवश्य दीजिएगा। आपका लाइक, आपका सपोर्ट हमें बहुत अधिक मोटिवेशन देता है, और बिना आपके सपोर्ट के हम या फिर कोई भी देखिए यूट्यूबर है, किसी को भी सफलता नहीं मिलेगी। तो पूर्ण रूप से आपका सपोर्ट चाहिए। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कमी है तो वो भी बताइए, कुछ अच्छा लगे तो वो भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।